हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे करीब करीब 6 से 7 शेयर से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका सबसे फेवरेट शेयर, बहुत सारे एक्सपर्ट का भी फेवरेट शेयर, रिटेल निवेशकों का भी फेवरेट शेयर, जो है ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में आज हम लोग देख सकते हैं 2.5% के आसपास की जंप हम लोगों को देखने को मिल रही है। 2 पॉइंट्स की जंप है, 83.35 की यहाँ पे क्लोजिंग है। एंड अशोक लेलैंड से रिलेटेड जो टारगेट है वो सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी होती है जो टारगेट बताती है, अशोक लेलैंड का टारगेट बहुत सारे लोगों ने 100 के ऊपर बताया हुआ है। मतलब एवरेज की मैं बात करूँ, जो सबसे हाईएस्ट टारगेट बताया वो 111 का बताया हुआ है। सो आप समझ सकते हो कि एवरेज टारगेट भी अगर हम लोग बहुत सारी फर्म्स का निकाले जो रेटिंग्स देती है, उन्होंने 100 का टारगेट बताया हुआ है। एंड जिसकी वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अशोक लेलैंड में एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर कंसिस्टेंटली बनी हुई है। सो आज के दिन भी हम लोगों को अशोक लेलैंड 2.5% तक यहाँ पे अप जाते हुए देखने को मिला था। एंड मैंने ये भी बहुत बार मेंशन किया कि रिजल्ट इनके इतने खास नहीं आए थे, एज़ पर द एक्सपेक्टेशन लॉस था उतना ही आया था, बट जो ये रैली है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। एंड उसी के साथ साथ जो ये टारगेट भी दे रहे हैं वो भी बहुत ही सरप्राइजिंग है। बट फिलहाल जैसे मैंने कहा था कि एक जो रेटिंग देने वाली कंपनी होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, उनका एनालिसिस मेरे से बहुत ही हज़ार गुना, मेरी तो कुछ औकात भी नहीं है उसके सामने। एंड उसी का नतीजा आप देख भी सकते, जो जैसे बोल रहे कि अशोक लेलैंड के रिजल्ट इतने खराब आने के बावजूद भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त रैली हम लोगों को देखने को रही है, जो कि अभी 85 तक भी जा सकती है। सो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, आप यहां पे देख सकते हैं ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन के कारण ये स्टॉक बहुत ही नीचे पिट चुका था। बट जैसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर में अप्रैल 2020 में इस स्टॉक के मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रैली आना शुरुआत होगी, क्योंकि ये कंपनी तभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड जो डिमांड है उसको वो फुलफिल करने वाली है। सो तब तक के जो बीच में जो पीरियड है Q3, Q4, तब तक इस कंपनी को अच्छा खासा होल्ड करना है, परफॉर्मेंस देखना है। एंड उसी के बाद हम लोग देख सकते हैं एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे आ सकती है। सो आज के दिन का परफॉर्मेंस अशोक लेलैंड का बहुत ही बढ़िया था। अगर NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बात देखें तो आप देख सकते हैं 25 नवंबर, आज ही के दिन की बात है, 20% के लगभग आसपास लोगों ने ये शेयर खरीद के आज भी यहाँ पे क्या किया है, अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट शेयर सिलेक्ट किया है वो है HDFC ग्रुप का, एक बहुत ही धाकड़ कंपनी एंड जो है अपने ही सेक्टर की रैंक वन कंपनी, एंड जिसका नाम है HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक ने ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना दिया है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज के दिन 25 नवंबर को HDFC बैंक ने 7 लाख करोड़ का अपना मार्केट कैप यहाँ पे छू लिया। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, इसलिए ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को थोड़ा सा नीचे देखने को मिला। बट वापस ये कंपनी अपना 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप से भी ऊपर जाने वाली है। कितनी बड़ी बैंक है, कितनी ज़बरदस्त बैंक है। एंड इसका अंदाजा तभी हम लोग लगा सकते हैं कि NSE के टॉप 5 में आने वाली ये एकमात्र बैंक है जो कि बाकी अदर कंपनी को टक्कर देती है। तो स्प्लिट होने से पहले से ही मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कभी भी ये शेयर में गिरावट आ जाती है 5% 10% की, तो बिना बोलते ना कोई एनालिसिस करे बिना भी अगर आप इसमें एंटर करोगे दोस्तों, तो ये इतना ज़बरदस्त स्टॉक है, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। एंड HDFC बैंक का अगर रिजल्ट की बात करें, आज के दिन का परफॉर्मेंस की भी बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 56% से ज़्यादा लोगों ने आज HDFC बैंक में क्या किया है, यहाँ पे शेयर खरीदा है, अपने डिलीवरी बेसिस के ऊपर यहाँ पे पोजीशन उठाई हुई है। एंड अगर हम लोग रिजल्ट भी देखें, 5,56,816 रुपीज़ इन लैक्स था, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में 6,30,000 के भी ऊपर जा चुका है। सो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है एंड अपने सेक्टर की रैंक वन कंपनी एंड प्राइवेट बैंक है, जो कि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी गिरावट में आप लोगों ने ऐसे शेयर में ज़रूर निवेश करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट शेयर मैंने सिलेक्ट किया है वो है येस बैंक। येस बैंक से रिलेटेड गिरावट होना बहुत ही स्वाभाविक बात थी, क्योंकि सेंसेक्स 30 में से येस बैंक को एग्जिट का रास्ता दिखा दिया, जो कि अप्लाई होने वाला है 21 दिसंबर से। सो उसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं ये माइनर सा प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला। 1.40 पॉइंट्स की परसेंट की गिरावट है, 1 पॉइंट के लगभग गिरावट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो येस बैंक में यही कहना चाहूँगा कि बाकी कंपनीज को भी निकाला गया था, जैसे कि टाटा मोटर्स DVR और वेदांता जैसी कंपनी, बट वहाँ पर हम लोग को रैली इसलिए देखने को मिली क्योंकि उनके सेक्टर में बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज आई, जिसके वजह से वहां पे अच्छी खासी रैली देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर में एज सच कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को नहीं मिली, इसके लिए येस बैंक में हम लोगों को वो प्रेशर एज यूजुअल देखने को मिला है। सो आज के भी दिन का परफॉर्मेंस अगर हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15% के आसपास यहाँ पे क्या हो रही है, डिलीवरीज उठाई जा रही है, ज्यादातर करके 17 करोड़ से 18 करोड़ यहाँ पे क्या हो रही है, क्वांटिटीज ट्रेड हो रही है, ना कि यहाँ पे डिलीवरीज ज़्यादा उठाई जा रही है। सो येस बैंक से रिलेटेड ये न्यूज़ के बाद जो नेक्स्ट शेयर सिलेक्ट किया है वो है, आप देख सकते हो, जो है NBFC सेक्टर का बहुत ही दिग्गज कंपनी, NSE के टॉप 5 में आने वाली कंपनी, जिसका नाम है DHFL, माफ़ कीजिएगा, इसको मैं हमेशा DHFL बोलता है, HDFC। सो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों, आज भी इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 2.50
मतलब 2.5% से भी ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा की जंप, 2294 की क्लोजिंग। एंड ये जताती है कंपनी क्यों रैंक वन है अपने सेक्टर की, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है एंड ये कंसिस्टेंटली देती ही चली आ रही है। इसलिए मैंने आपको कहा था ये शेयर में भी आप लोगों ने एंट्री लेनी चाहिए। HDFC के चारों शेयर, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC ये NBFC या फिर HDFC AMC, चारों के चारों शेयर इतने बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड ये चारों शेयर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भी रख देते हो तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप लोगों को मिल सकता है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को डाउट भी आ जाएगा, सर चारों एक ही ग्रुप के शेयर अगर हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में रखेंगे तो शायद से यहाँ पे रिस्क हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बताया था कि आप अपने रिस्क को कैसे हेज कर सकते हो, कैसे काउंटर जो इनके कॉम्पिटिटर शेयर है वो अगर आप इसके पोर्टफोलियो में रख दोगे तो आप लोगों को कैसा बेनिफिट पहुंच जाएगा, तो वह वाला वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल HDFC का भी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। नीचे जाके अगर आप आज के दिन का भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं HDFC में, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 58% से ज़्यादा की बाइंग देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, आप सभी लोगों को पता है, इसी के वजह से यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी सिलेक्ट किया हुआ है IT सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने भी आज अच्छा खासा रैली बताया था, बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसने जो क्लोजिंग दिया वो 700 के नीचे दिए। 700 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अच्छा खासा सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिलता, बट एनीवेज आप देख सकते हैं 5 से 6 पॉइंट्स की जंप हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, 0.84% की जंप हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा है कि ये शेयर का भवितव्य विसल ब्लोअर के कंप्लेंट के ऊपर ही ज़्यादातर करके डिपेंड रहेगा, बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसका जो टारगेट बताया 715 से 725 तक जा सकता है। आज के दिन की भी बात अगर हम लोग देखें तो NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि इन्फोसिस का जो भवितव्य है वो कम्प्लीटली विसल ब्लोअर के जो आउटकम आने वाला है उसके ऊपर है, बट स्टिल बहुत सारे लोग यहाँ पे यही पकड़ के चल रहे कि इसका आउटपुट इन्फोसिस के फेवर में आएगा। एंड आज भी इन्फोसिस में 50% से भी ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 52% की बाइंग यहाँ पे होती हुई हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड जब से इन्फोसिस गिरा है एक भी दिन ऐसा नहीं है कि 40% के नीचे इन्फोसिस में कभी बाइंग उसके नीचे गई है। तो यही बात जताती है कि बहुत सारे जो बड़े निवेशक है, म्यूचुअल फंड जैसे कंपनियां भी, उन्होंने क्या किया था, अपना जो वैल्यूएशन का जो रिपोर्ट है उन्होंने ये कहा था कि इन्फोसिस का बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है एज कम्पेयर टू द TCS। एंड उन्होंने जो अपना स्टेक था, जो अपना पैसा था, वो TCS से शिफ्ट करके इन्फोसिस पे लगा दिया था। तो ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारे लोग इन्फोसिस को अभी भी बुलिश लेके हुए बैठे हुए। उसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट शेयर जो सिलेक्ट किया है वो है ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ, जो कि बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि आज नीचे जाना चाहिए था, जो कि न्यूज़ भी वैसी थी कि निफ्टी सेंसेक्स 30 से इसको एग्जिट कर दिया गया था, बहुत सारे लोगों को पता है। बट ऑटो सेक्टर में आज जमके खरीदारी हम लोगों को देखने को मिली, चाहे वो मारुति हो, अशोक लेलैंड हो, आयशर मोटर हो या फिर टाटा मोटर्स हो। तो इसीलिए आज हम लोगों को देखने को मिला कि टाटा मोटर्स में भी बहुत ही ज़बरदस्त रैली हम लोगों को देखने को मिली है। लगभग 2% से 1.25% हम लोग यहाँ पे कह सकते अच्छा खासा जंप देखने को मिला। लगभग 3 से 4 पॉइंट्स की जंप हम लोगों को देखने को मिली, 166 पे एग्जैक्टली क्लोजिंग देखने को मिली। एंड टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट शेयर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है जो है आज के दिन का हम लोग कह सकते हैं आखिरी शेयर भी हम लोग बोल सकते हैं, जिसका नाम है स्पाइस जेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई थी। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्पाइस जेट QIP लाने वाला था, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 750 करोड़ ये लोग जुटाने वाले थे, बट वो QIP को जो ये लाने वाले थे उसको अभी उन्होंने डिले कर दिया है। अभी फिलहाल तो ये लाने नहीं जाने वाले QIP 750 करोड़ का। जैसे ये न्यूज़ सामने आई आप यहाँ पे देख सकते हो 112 से 113 पे चलने वाला शेयर सीधा नीचे आ गया एंड जो क्लोजिंग है वो 109.75 पे हम लोगों को देखने को मिली। मैंने स्पाइस जेट से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना दिए, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये शेयर से आप लोगों ने कंप्लीटली दूर रहना चाहिए। एज सच मुझे ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे रिटेल निवेशकों का स्पाइस जेट ये शेयर इसलिए पसंदीदा है क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में ये शेयर है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ राकेश झुनझुनवाला जी ने अच्छा खासा पैसा इसमें ऑलरेडी कमाया हुआ है दोस्तों, तो अगर आप इसमें अभी एंट्री लोगे तो आप यहाँ पे बुरी तरह से फंस सकते हो क्योंकि इनके रिजल्ट भी इतने कुछ खास नहीं है। एंड मैं आप लोगों को NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ तो आप लोगों को और भी डिटेल यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हैं एंड यहाँ पे स्पाइस जेट अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो आप लोगों को बहुत कुछ डेटा देखने को मिलेगा। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करूँगा तो इसका अगर आपको 52 वीक हाई एंड लो देखना है तो 52 वीक लो के ऊपर नज़र डालोगे तो 101 का है एंड शेयर फिलहाल 109 पे चल रहा है। सो अपने 52 वीक लो पे ही ये कंपनी चल रही है, आप ऐसा भी इसको पकड़ सकते हो। तो यही कहना चाहूँगा इस कंपनी में आप लोगों ने अगर ट्रेडिंग करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मेरा बिल्कुल यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं रहेगा क्योंकि ऐसे कंपनी से अगर आप निवेश करते हो तो आपका पैसा बुरी तरीके से अटक सकता है।
सर दोस्तों आप देख सकते हो आज का निफ्टी का परफॉर्मेंस, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही आउट परफॉर्मेंस था। सेंसेक्स ने तो अपना ऑल टाइम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उसी के साथ साथ निफ्टी ने अपना ऑल टाइम, निफ्टी 50 ने अपना ऑल टाइम का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, सिर्फ 19 पॉइंट से वो दूर है। बट वो आप आने वाले अगले टाइम में भी ये जरूर तोड़ने वाले, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ ये भी बताने वाला हूं, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो रैली हम लोगों को देखने को मिली है उसके रिलेटेड ये वीडियो मैं बनाने वाला हूं। बट उसी के साथ साथ जो फॉरेन निवेशक रहते हैं उनके से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो सामने आया हुआ है वो भी मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करने वाला हूं। सो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देख लेना। सो फिलहाल तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। आई होप, आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।